हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। दिस इज चंद्रमौली इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर मीटिंग मी ऑन दिस लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। एक बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। 6 अप्रैल मतलब कल से ही एनवायरमेंट के ऊपर एकदम जीरो टू हीरो वाला कोर्स लेके आ रहे हैं। दैट कोर्स इज अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच दैट विल हैव इंक्लूडेड इन इट प्रीलिम्स, मेंस, एवरीथिंग, डायग्राम्स, नोट्स, लॉट ऑफ थिंग कमिंग बाय। कल से स्टार्ट होने जा रहा है, तो जो लोग भी प्लस में हो या लेना चाहते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी कमिंग अप हियर। CMC इज माय कोड एंड यू कैन एनरोल फॉर इट। CMC इज माय कोड एंड यू कैन एनरोल इन दिस प्रोग्राम। प्लस ये आपका कल से चालू होने वाला है। और आप देख सकते हैं हर रोज शिक्षक यहाँ आपको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर लें जल्दी से। स्टोर हमारा जयपुर पे भी आ चुका है, आप 9 और 10 अप्रैल को वहां विजिट कर सकते हैं। बट यू विल हैव टू रजिस्टर फॉर इट। आप अभी इसका नीचे फॉर्म दिया होगा, आप भर सकते हैं, उसको रजिस्टर कर लीजिए। जयपुर के आसपास जो भी हो, स्वागत है सभी का। लास्ट माइल प्रोग्राम इज फॉर दोज हु आर गिविंग दिस ईयर्स इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपको डैफ और अपने पे बहुत स्टडी करना होगा, बहुत अपने पे वर्क करना होगा। सो विल बी देयर विद यू। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक बोर्ड है हमारे यहाँ। लाइट सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपको देने हैं खूब सारे टेस्ट, एंड टेस्ट देने के बाद आप एनालिसिस करिए कि कहां से कमी अभी भी रह जा रही है, उसको जल्दी से भर लेते हैं। एंड यू कैन अप्लाई माय कोड ऑफ CMC एंड यू कैन गेट 28 टेस्ट इन 3149, 56 टेस्ट इन 4409। आइकॉनिक का मतलब होता है मेंटरशिप एंड आई विल गिव यू माई ओन काइंड ऑफ मेंटरशिप प्लस प्लस। 7 days of you will be given target. आपको एक target हम देंगे जिसको आपको finish करना है। सब कुछ लिखित होगा, आप target achieve करेंगे, questions फिर हम आपको देंगे, आप question करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7 days of stock taking also I'll do and I'm going to give you lot of things in this iconic subscription. तो आप जैसे CMC code लगाएंगे, iconic subscription लेंगे, आप हमारे उस group में आ जाएंगे। And you don't have to pay at all, पूरा पैसा एक बार नहीं देना है ऑल एट वंस। आपको करना क्या है कि आप धीरे धीरे आपका EMI बना सकते हैं, 2000 महीना, 1500 महीना, पैसे करके बना सकते हैं अपना EMI। एंड दिस इज मैड ओवर मैप्स 57th सेशन। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस सेशन विद अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड दैट गोज लाइक तेजसाम ही वयः समीक्षते। इसका मतलब होता है आपकी उम्र डिफाइन नहीं करती कि आप कैसे होंगे, जो डिफाइन करता है वो करता है कि आप कितने ज्यादा आगे बढ़ चुके थे अपनी राह में, आप कितने सक्सेसफुल हो चुके हैं। कोई भी पड़ाव हो, कोई भी उम्र हो लाइफ का, वो आपको कहीं से भी रोक नहीं सकते। यू विल हैव टू जस्ट मूव अहेड। तो याद रखिएगा, दिस इज द थॉट फॉर टुडे। उम्मीद है आप लोग तक आवाज पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज से क्लास की। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अभी 3 लगभग बायोस्फीयर रिजर्व बच रहे थे जिन्हें हमें करना था। पहला नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा का नाम सुनते ही आप सिक्किम की उन वादियों में जा सकते हैं जहां पे नीचे द्वार्स हैं और ऊपर कंचनजंगा है। यहां देखिएगा, फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक्स, यू हैव योर द्वार्स फॉर्मेशन। द्वार्स, द्वार्स का मतलब होता क्या है, ये एक डिपोजिशन प्लेन है, एक डिपोजिशनल वैली है जो यहां पे मौजूद है। इस डिपोजिशनल वैली के अगर आप देखेंगे हाइट जैसे से बढ़ती जा रही है, आप कंचनजंगा पे चढ़ते हुए चले जाएंगे। दिस कंचनजंगा इज अ बायोस्फीयर रिजर्व और ये जाना जाता है एज इट इज इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट। एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, वो इसी को दिया गया है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। आपका पहला जो इंडिया में है वो कंचनजंगा है। इसका अगर आप एरिया देखेंगे तो बहुत कुछ इसमें कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव कंचनजंगा ऑलरेडी एज अ नेशनल पार्क। और आप समझेंगे कि इतना बड़ा है, इतना विशाल है, हाइट में भी इतना ज्यादा, ये ज्यादा जल्दी स्टीप स्लोप ले लेता है कि लगभग सारे ही आपको फॉरेस्ट दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड विथ टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट ब्रॉड लीव्ड, मिक्स्ड कॉनिफेरस, सब अल्पाइन फॉरेस्ट, ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट। तो आप देखेंगे माउंटेन फॉरेस्ट से जो भी संबंध रखते हैं, भले ही वो सब ट्रॉपिकल के ब्रॉड लीव्ड हो या फिर वेट टेम्परेट हो, टेम्परेट में भी ब्रॉड लीव हो सकते हैं या फिर कॉनिफेरस हो सकते हैं। अल्पाइन का मतलब हो गया एक हाइट पे भी आपको कुछ फॉरेस्ट दिखेंगे, वो हो सकता है थोड़ा ड्राई हो, वो हो सकता है थोड़ा सा कॉनिफेरस हो। एंड यू गेट ऑल सच रेंजेस इन द कंचनजंगा। अच्छा, यहां पर कुछ एंडेमिक फौना है, देखिएगा, तिब्बतन शीप यू कैन फाइंड हियर, मस्क डियर, मोनाल फिजेंट एंड स्नो पैट्रिज, ये आपको यहां पे कंचनजंगा पे दिखता है। तो देखिए, प्रश्न जो आएगा
वो लगभग ऐसा आता है, दे वुड गिव यू सम सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स कि आइडेंटिफाई करिए कौन सा ये पार्क है या कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। तीस्ता नदी इससे बह रही है। तीस्ता नदी आपके सिक्किम से सीधे आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में प्रवाहित होगी। सो तीस्ता रिवर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंचनजंगा एज इट फ्लोज एट द फुटहिल्स ऑफ इट। तीस्ता रिवर, तीस्ता। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, यहां पे इस कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे लेक्स और ग्लेशियर मिलेंगे, पर एक नाम है जेमू ग्लेशियर। ये लोग इस बार पूछ सकते हैं जेमू ग्लेशियर के बारे में, तो जेमू ग्लेशियर आप देख सकते हैं, जेमू ग्लेशियर इज हियर एंड एक्चुअली इट इज सो मच एनरिच्ड विद द ग्लेशियर्स कि बहुत सारे यहां ग्लेशियर हैं। जेमू ग्लेशियर एक बहुत ही बड़ा एक आइडेंटिफाइड ग्लेशियर है, बहुत अलग सा ही दिखता है। 26 किलोमीटर लॉन्ग इज योर जेमू ग्लेशियर। एक चीज आप पढ़िएगा, इसको याद रखने की कोशिश करिएगा। माउंट कंचनजंगा एट मेनी नेचुरल फीचर्स विद द प्रॉपर्टी एंड इट्स वाइडर सेटिंग आर एंडाउड विद डीप कल्चरल मीनिंग्स। एक चीज नाम देखिएगा, इसको मिक्स्ड हेरिटेज कहा गया था, मतलब आपको नेचुरल भी है, कल्चरल भी है, इसमें बहुत मिक्स्ड हेरिटेज है। एंड सैक्रेड सिग्निफिकेंस गिविंग फॉर्म टू द मल्टी लेयर्ड लैंडस्केप ऑफ कंचनजंगा विच इज सैक्रेड एज अ हिडन लैंड बोथ टू बुद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट के लिए जो हिडन लैंड है उसका नाम होता है बेयुल, एंड लेपचास जो कि वहां पे रहने वाली ट्राइब है लेपचास के लिए माइल ल्यांग, तो माइल ल्यांग, ये दो नाम याद रख सकते हैं आप। ये पूछ सकते हैं वो आपसे, ये पूछेंगे नहीं पर वो स्टेटमेंट में दे देंगे, सेक्रेड हिडन लैंड फॉर द बुद्धिस्ट बेयुल एंड लेपचास। तो लेपचास जैसे ही देखेंगे आप सिक्किम पहुंच जाएंगे, वहां ये आंसर आसान से आ सकता है, पर अगर वो बेयुल देंगे तो थोड़ा परेशान हो जाएंगे अरुणाचल में और इसमें। तो याद रखिएगा, कंचनजंगा एक तरह का बहुत सेक्रेट सिग्निफिकेंस वाला भी है, कल्चरल भी है, नेचुरल भी है, सो लॉट ऑफ मिक्स थिंग्स आर ऑलरेडी देयर। तो हिडन लैंड ऑफ द बुद्धिस्ट दे कॉल एज द बेयुल, ये यहां पे आपको मिलता है, एंड यू हैव द लेपचास का जो हिडन लैंड कहा जाता है मयल ल्यांग, विच रिप्रेजेंट्स द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड एथनिसिटीज constituting the Sikkimese identity। दो नाम आपको याद रखने हैं, बेयुल और लेपचास का माइल ल्यांग। बुद्धिस्ट का बेयुल हिडन लैंड एंड लेपचास का माइल ल्यांग। प्रणाम, नमस्कार, सभी का स्वागत है, जय हिंद, सभी का स्वागत है। तीस्ता नदी है आसपास, तो ये इसको बहुत गौर से देखिएगा, आप देख सकते हैं कंचनजंगा। अच्छा, कंचनजंगा का पार्ट ये है, लगभग आप देखेंगे कि नेपाल से भी शेयर होगा ये वाला पार्ट। सो यू हैव योर कंचनजंगा हियर, यू हैव योर कंचनजंगा बायोस्फेयर रिजर्व हियर। अब देखिए, आपसे प्रश्न अगर हम आपसे प्रश्न पूछें, आइडेंटिफाई द बायोस्फेयर रिजर्व, ए हमने मान दिया 1 point, इट इंक्लूड्स जेमू ग्लेशियर। नंबर टू, इट इज फ्लैंक्ड बाय तीस्ता रिवर। तो तीस्ता और जेमू इसके आइडेंटिफिकेशन है। आप तुरंत आप बता सकते हैं कि ये जो हम पूछना चाह रहे हैं आपसे वो कहीं ना कहीं कंचनजंगा ही है। और ये पहला मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, इसको याद रखिएगा। यहां पे तिब्बतन शीप, मस्क डियर, मोनाल फिजेंट, स्नो पैट्रिस सब आपको मिल सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश में। हमने देखा था पन्ना, हमने देखा था अचानक हमारा अमरकंटक, आज हम देखने जा रहे हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में काफी नदियां, काफी प्लेट्यू, काफी बैड लैंड टोपोग्राफी प्रेजेंट है। पंचमढ़ी का नाम आते ही देनवा रिवर कहीं ना कहीं एसोसिएट हो जाती है, देनवा, और दूसरी रिवर है तवा। तवा रिवर और देनवा रिवर काफी एसोसिएटेड है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व से। अगर आप इस मैप में फिर से देख सकते हैं तो आप देखिएगा, पन्ना इधर है, अचानक हमारा अमरकंटक ये है, ये आपका पंचमढ़ी है। और तीनों ही आप देख सकते हैं कि अब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो कि यूनेस्को का प्रोग्राम है उसका पार्ट है ये तीनों ही। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें तीन तीन बायोस्फीयर रिजर्व है और ये तीनों ही आपका मैप के पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे। यासिर जी देखिए, जो हाई होगा उसी में होगा, कंचनजंगा हाईएस्ट ऑफ द पीक है, आप खुद सोचिएगा। ग्रेटर हिमालयस, ऐसे हिमालयस हैं जिसमें सबसे ज्यादा हाइट मिली,
उसके बाद आप नीचे आएंगे मिडिल हिमालयस में उतनी हाइट नहीं है, और नीचे आप आएंगे तो शिवालिक हाइट ही नहीं है। अब आप खुद डिसाइड करिए कि जो पीक्स कंचनजंगा की थर्ड हाईएस्ट है कहां होनी चाहिए, ये कहां होनी चाहिए आप खुद डिसाइड करिए। आई गिव इट टू यू, आप खुद सोचिएगा। ग्रेटर हिमालयस हमारा पूरा निकल रहा है, आप खुद सोचिए कि माउंट एवरेस्ट उसके आगे हम और कहां बढ़ सकते हैं। धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा कहां हो सकता है, आप खुद सोचिए एक बार, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। आइए पंचमढ़ी की बात करते हैं, तो एक चीज तो क्लियर है कि ये अगर आप तवा रिवर की बात कर रहे थे या देनवा की कर रहे थे तो कहीं ना कहीं नर्मदा बेसिन में लाई करता है, नर्मदा बेसिन में लाई करता है। अगर नर्मदा बेसिन में लाई करता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहां रिफ्ट बनता होगा, कहीं ना कहीं चीजें ऊपर खड़ी होती होंगी। आइए अभी बात करेंगे, अभी कुछ याद करने वाली चीजें हैं। इसमें जो फॉरेस्ट है आपको बहुत चीजों का मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मॉइस्ट डेसीडुअस भी मिल जाएगा, ड्राई डेसीडुअस भी मिल जाएगा, और चूंकि यहां पे एक हिल टाइप भी मौजूद है तो आपको सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट भी दिख जाएगा, पर बहुत अच्छे उसमें नहीं दिखेगा क्योंकि इतना ज्यादा हाइट नहीं होती। यहां पे आपको साल ट्री दिख जाएगा, आपको पैलीमॉर्फा बैम्बू दिख जाएगा, ये सब आप याद रख सकते हैं, ये सब आपके पास रहेगा। ये एंडेमिक फ्लोरा अगर देखेंगे तो पैलीमॉर्फा बैम्बू, एंडेमिक फौना अगर आप देखेंगे तो बारह सिंघा आपको दिख जाता है, रेड जंगल फाउल दिख जाता है, वाइल्ड बफेलो दिख जाता है। पर इससे भी महत्वपूर्ण है वो तीन नाम हमें याद रखने हैं कि पंचमढ़ी में आखिर क्या क्या आता है। बोरी सेंचुरी, पंचमढ़ी सेंचुरी इजी है, और सतपुड़ा नेशनल पार्क और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या फिर पंचमढ़ी सेंचुरी, बोरी सेंचुरी, ये सब आपका पंचमढ़ी का पार्ट है, इसको याद रखिएगा। एक बार इन्होंने नीलगिरी का पूछा है तो बार बार वही नहीं पूछेंगे, दे वुड आस्क यू पंचमढ़ी आल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट, आल्सो इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि काफी बड़ा एरिया है और इसको कहा जाता है जेनेटिक एक्सप्रेस वे हाईवे, जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे या जेनेटिक एक्सप्रेस वे, जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे क्यों कहा जाता है, इसका यह मतलब है कि ये आपके हिमालयन बायोडायवर्सिटी को लिंक करता है वेस्टर्न घाट बायोडायवर्सिटी से। जेनेटिक हाईवे का मतलब है कि ये आपका हिमालयन बायोस्फीयर रिजर्व, हिमालयन में जितने आपका बायोडायवर्सिटी है उसको लिंक करता है कहीं ना कहीं आपके इससे वेस्टर्न घाट वाले बायोडायवर्सिटी से। नर्मदा बेसिन में ही आपको बोरी सेंचुरी दिख जाएगी, बोरी सेंचुरी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपको नर्मदा बेसिन में ही दिख जाएगी। छिंदवाड़ा के आसपास पड़ती है आपकी बोरी सेंचुरी, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के आसपास पड़ती है बोरी सेंचुरी, इसलिए इसको याद रखिएगा। सारा सेंचुरी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व को मिला के एक बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व बनता है, बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया बड़ा होगा, इसका अंदर एक कोर होता है, फिर बफर होता है, फिर एक ट्रांजिशन जोन होता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर की अगर आप बात करेंगे तो आपको दिख जाएगा बोरी पंचमढ़ी, तो नाम से आपको पता चल जाएगा कि पंचमढ़ी में है, सतपुड़ा नेशनल पार्क या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये सब आपको दिख जाएगा। याद रखिएगा ये सब ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पंचमढ़ी। नदी कौन सी है, देनवा या फिर तवा रिवर भी है यहीं पे। इसको कहा जाता है जेनेटिक एक्सप्रेस वे क्यों, क्योंकि ये आपके हिमालयन बायोस्फीयर और बायोडायवर्सिटी को जोड़ता है वेस्टर्न घाट से, ईस्टर्न हिमालयस को जोड़ता है वेस्टर्न घाट से, तो बीच का ये कॉन्फ्लुएंस है। और आपको बताते हुए ये हमें तो हैरत नहीं होगी पर आपको होनी चाहिए कि एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जहां पे हिमालयन फौना भी मिलता है, यहां पे हिमालयन स्पीशीज भी मिलते हैं और वेस्टर्न घाट के स्पीशीज भी मिलते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कि एकदम कॉन्फ्लुएंस है नॉर्दर्न और सदर्न टाइप ऑफ वेजिटेशन का। यहाँ पे आपको हिमालयन स्पीशीज भी मिल जाएंगे और वेस्टर्न घाट के स्पीशीज भी मिल जाते हैं, इसीलिए पंचमढ़ी को कहा जाता है जेनेटिक हाईवे। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, चालू इसी से किया था बताना, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, आपको मैप भी दिखाया था, देख लीजिए पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ही है। क्लियर हो गया, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, देख लिया। अच्छा आइए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा है कि लगभग आप देखेंगे तो तीन डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, होशंगाबाद बैतूल छिंदवाड़ा। और अगर आप देखें तो यहां पे कुछ हिली एरियाज भी आपको मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जम्बू द्वीप, हंदीखो, महादेव, चौरागढ़, धूपगढ़,
रूपगढ़ आपको पता होगा कि हाईएस्ट पॉइंट अगर हमें ढूंढना है मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा ऑल्टीट्यूड कहां है तो वो धूपगढ़ है, 1352 मीटर धूपगढ़, वो भी आपका पंचमढ़ी के ही उसमें आ गया, सम्मिलित हो चुका है धूपगढ़, तो धूपगढ़ हिल्स याद रखिएगा, धूपगढ़ हिल्स भी आपका पंचमढ़ी का ही पार्ट हो गया है। अक्सर जो लोग ट्रेकिंग करते हैं लोग उनको पता होगा पंचमढ़ी धूपगढ़ ट्रेकिंग रीजन है, वहां पे ट्रेकिंग होता है बहुत अच्छा सा, तो धूपगढ़ आप देख सकते हैं 1352 मीटर और पंचमढ़ी धूपगढ़ ट्रेकिंग फील्ड है। आइए, महादेव हिल्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट रॉक्स दैट इज सैंडस्टोन व्हिच इज कट इनटू डीप गलीज बाय द वाटर इरोजन। अब आप समझ सकते हैं कि यहां पे जो भी पानी बह रहा होगा, हमने आपको कई बार 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 इसको बताया था कि जहां पे भी लाइमस्टोन सैंडस्टोन होगा वहां पे बहुत अलग तरीके की ट्रोपोग्राफी आती है, बहुत अलग तरीके का लैंडफॉर्म आता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो सॉफ्ट रॉक है वो कट जाएगा और बनेंगे आपके खूब सारे वॉटरफॉल्स प्लस गली। गली का मतलब क्या होता है कि पानी जब लैंड के ऊपर से बहेगा तो बीच से कहीं ना कहीं वो काट देता है गली को, तो ये दो अपस्टैंडिंग पार्ट होते हैं, ये खड़े रहते हैं और ये अंदर सबमर्ज हो जाता है। दिस इज योर गली इरोजन, ये आपको मिलेगा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। अच्छा, सबमर्जेंस ऑफ तवा रिजर्वॉयर एंड देनवा रिवर प्रोवाइड एम्पल हैबिटेट्स फॉर फिशेस क्रोकोडाइल्स एंड अदर्स। मतलब यहां फिशेस क्रोकोडाइल ये सब भी मिल सकते हैं। तवा एक नदी है, आप बताइए तवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तवा किसकी ट्रिब्यूटरी है बताइए, ये बात हमने की है। बताइएगा बताइएगा, एनीवन आउट देयर, किसकी ट्रिब्यूटरी है? नर्मदा की है। अरे नर्मदा की है सर, नर्मदा की है, हमने आपको पढ़ाया है तवा और छोटा तवा नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और सांग ये सब हमने आपको पढ़ाया है, तवा हिरोन ये सब आपकी इसी की है, तवा और छोटा तवा नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। तो नर्मदा बेसिन पंचमढ़ी, तवा देनवा सब इसका पार्ट है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सी नदी इसे संबंध रखती है, देनवा या तवा। आइए आगे चलते हैं, अभी तक हमने काफी कुछ देख रखा है, एंड दैट इज द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो कि यूनेस्को का है, इसमें कौन कौन आइडेंटिफाइड है, तो आपको पता है नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरबन है, नंदा देवी है, नौकरेक है। अच्छा देखिएगा, क्या मध्य प्रदेश के तीनों ही मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में आ चुके हैं? बिल्कुल आ चुके हैं। पंचमढ़ी है, अचानक हमारा अमरकंटक है, और पन्ना 2020 में लेटेस्ट एडिशन था, ये सारे ही आपके मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में आ चुके हैं, इसको याद रखिएगा। उड़ीसा से सिमलीपाल है, ग्रेट निकोबार आप देख ही रहे कहां पे होगा, अगस्त मलाई आपका हमने आपको बता रखा है कि कैसे शेयर करता है अपना बॉर्डर विद केरला एंड तमिलनाडु। आइए आगे बढ़ते हैं, और स्वागत है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला इंडिया का डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व था, वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है और बहुत ही जबरदस्त इसका कॉम्प्लेक्स है। तमिलनाडु केरला कर्नाटका का ट्राई जंक्शन आपको यहां मिल जाएगा, ट्राई जंक्शन आपको मिल जाएगा, तो वेस्टर्न घाट्स आपके ईस्टर्न घाट से आके जुड़ेंगे, ये आपका नीलगिरी कॉम्प्लेक्स है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बड़ा एरिया आपका है तमिलनाडु के पास, उसके बाद है कर्नाटक के पास, और उसके बाद है केरला के पास। ये चीज याद रखने वाली है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बड़ा जो एरिया है वो तमिलनाडु के पास है, फिर आपका कर्नाटक के पास है, फिर आपका केरला के पास है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नौकरेक किस स्टेट में है भाई बता दीजिए संजीत जी को, नौकरेक हम पढ़ रखे हैं, नौकरेक बता दीजिए जल्दी, कौन बता देगा नौकरेक कहां पे है, हमने आपको याद करने का तरीका भी बताया है, नौकरेक कहां है बताइए, नौकरेक कहां है जल्दी बता दीजिए। बहुत बढ़िया, अंश जी ने बता दिया है ये मेघालय में है, मेघालय में आपका नौकरेक मिल जाएगा। एक बार फिर से याद दिला देते हैं हम आपको, हमने वहां पे कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, पहला हमने आपको बोला था मोका,
मानस, ओरांग, काजीरंगा, इसके बाद था इंटंकी, इसके बाद था ब्लू माउंटेन। यहां पे आप जब जाते थे तो मिलता था नौकरेक और आपको एक और दिखता था बलफक्रम। ये सारे आपके नेशनल पार्क भी हैं, नौकरेक अब बायोस्फीयर रिजर्व भी है। चलिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है, इसमें आपको एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस, माउंटेन शोला, ग्रासलैंड टाइप सब मिलेगा। एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें ट्री के साथ साथ ग्रासलैंड भी है, अच्छी खासी और चिन्हित ग्रासलैंड है, जिसको कहा जाता है शोला, शोला ग्रासलैंड भी है। हालांकि शोला को कहा जाता है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टाइप होना चाहिए, पर यहां पेड़ नहीं मिलते हैं, यहां आपको घास मिलती है, ग्रासेस। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का बहुत बड़ा एरिया है, इसीलिए इसके अंदर सारे, बहुत सारे पार्क आने वाले हैं जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा। नागरहोल, बंदीपुर, वायनाड, मुडुमलाई, मुकुर्ति, साइलेंट वैली, आप देख सकते हैं नागरहोल, बंदीपुर, वायनाड, मुडुमलाई, मुकुर्ति, साइलेंट वैली, ये सारे ही आपके पार्ट हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के। आइए एक एक करके आराम से देखते हैं और चीजों को समझते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि इस एरिया में कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा, तो आपको हैरत होगी जान के कि यहां एवरग्रीन भी है, सेमी एवरग्रीन भी है, यहां पे थॉर्न फॉरेस्ट भी है। थॉर्न फॉरेस्ट का मतलब है चूंकि ये वेस्टर्न घाट्स है, इसके पीछे वाली एरिया जो होगी वहां पानी नहीं बरसेगा, इसीलिए यहां पे थॉर्नी वेजिटेशन है। यहां पानी नहीं बरसता है, इसीलिए यहां पे थॉर्नी वेजिटेशन है, इसको आप याद रख सकते हैं। दिस एरिया दैट इज इन द लीवर्ड साइड, इन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, देयर वी डोंट हैव रेनफॉल हैपनिंग दैट मच, इसीलिए यहां पे थॉर्नी वेजिटेशन आपको दिखता है। नीलगिरी का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आपका पानी नहीं होगा, और लगभग ये पार्ट आपका तमिलनाडु से संबंध रखेगा, वहां पानी नहीं है, थॉर्नी वेजिटेशन। एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व जहां पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिले, आपको थॉर्नी फॉरेस्ट भी मिले। देखिए प्रश्न प्रीलिम्स का यही बनता है, इसीलिए दिमाग ब्रॉड रखिएगा। जहां पे भी आपको लगे कि बड़ा एरिया है वहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बहुत सारा वेजिटेशन बनने की। एकदम कोस्टल एरिया पे अगर आप देखेंगे, वेस्टर्न घाट वाले पार्ट में आप देखेंगे तो मॉइस्ट एवरग्रीन, अंदर जाएंगे सेमी एवरग्रीन, और अंदर जाएंगे थॉर्नी, और अंदर जाएंगे आपको लगेगा बीच में कहीं सवाना भी दिखेगा। सवाना क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, सवाना आपका ग्रासलैंड है, और शोला आपका वैसे तो कहा जाता है फॉरेस्ट है, पर शोला आपका जाना जाता है, मुकुर्ति नेशनल पार्क दैट हैज शोला ग्रासलैंड, शोला ग्रासलैंड भी है आपका, ये एक तरह का एवरग्रीन है, एवरग्रीन ग्रासलैंड है। इतना ज्यादा इसमें देखिएगा रेंज है फॉरेस्ट का, मॉइस्ट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, थॉर्न, सवाना, शोला, सब कुछ इसमें आ गया, सब कुछ इसमें आ गया। अच्छा, अब आप जब पहाड़ों पे चढ़ेंगे ऊपर, तब आपको और तरीके का दिखेगा। फॉर एग्जांपल आपको लगेगा कि यहां कुछ ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट भी है, यहां ट्रॉपिकल आपको ऐसा एवरग्रीन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट भी दिखेगा, क्योंकि यहां पानी इतना बरसेगा कुछ पार्ट में कि आपका फॉरेस्ट ब्रॉड लीफ हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, कौन सा ऐसा फॉरेस्ट जिसमें थॉर्न से लेके एवरग्रीन तक मिलता है, नीलगिरी। थॉर्न से लेके एवरग्रीन तक मिलता है, नीलगिरी। आइए कुछ फौना देखते हैं यहां का, सिंपल है ये सब। तो आप देखेंगे कि यहां पे आपको लायन टेल्ड मकेक दिख जाएगा, जो कि वेस्टर्न घाट का एंडेमिक है, वेस्टर्न घाट का एंडेमिक है लायन टेल्ड मकेक। आप देख सकते हैं नीलगिरी ताहर आपको यहां दिख जाएगा, नीलगिरी ताहर से ही नाम आप पकड़ सकते हैं, नीलगिरी कैसे आया होगा, नीलगिरी ताहर। इसका जो एक बहुत बड़ा पार्ट है वो है नागरहोल नेशनल पार्क, जो कि आपका कर्नाटक में है। आप देख सकते हैं नागरहोल का जो पहला नाम आप देख सकते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। और आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा, तो कोडागु और मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है आपका नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल टाइगर रिजर्व। हमने आपको फिर से एक याद करने का तरीका बताया था, एक बार अगर हम आपको पुनः दिखाएं तो मौलेम आपका गोवा में था, फिर हमने आपको बताया था कुद्रेमुख, देखिए कुद्रेमुख इसका पार्ट नहीं है, पर नागरहोल इसका पार्ट है, बंदीपुर इसका पार्ट है, नागरहोल और बंदीपुर इसके पार्ट होने वाले हैं। हमने आपको ओरिएंटेशन दिखाया था
मोलेम कुद्रेमुख कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, बंदीपुर कर्नाटक, चोला ग्रासलैंड तमिलनाडु में भी आता है, बिल्कुल सही बात है। वहां पे तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हिली एरिया है, आप डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे कि मैं तमिलनाडु में खड़ा हूं कि केरला में खड़ा हूं, इतना हिली एरिया कॉम्प्लेक्स है वहां पे चोला आपके पाए जाएंगे। आइए, ये है आपका नागरहोल, नागरहोल द एंटायर नागरहोल बंदीपुर मुडुमलाई वायनाड कंजर्वेशन यूनिट होल्ड सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरे नागरहोल को, बंदीपुर को, मुडुमलाई को, वायनाड को मिला दें तो यहां पे सबसे बड़ा आपको टाइगर का दिख जाएगा कि यहां सबसे बड़ा टाइगर का यहीं पे होने वाला है। आइए आगे चलते हैं, बंदीपुर की बात करते हैं। बंदीपुर नेशनल पार्क है जो आप समझ सकते हैं फिर से आपका कर्नाटक में है। बंदीपुर का अभी आपने देखा कि बंदीपुर में आपको बहुत सारे, अब आपको एलिफेंट्स के कॉरिडोर्स भी बनना चालू हो जाएंगे, टाइगर एलिफेंट दोनों आपको यहां मिलने लगेंगे। दिस इज योर बंदीपुर। वायनाड आपको पता है केरला में है, वायनाड आपको केरला में पता है, वायनाड भी इंक्लूडेड होता है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, और लगभग यहां भी एलिफेंट टाइगर आपको सब दिखेंगे, सब दिखेंगे आपको यहां पे। मुडुमलाई आपका लगभग तमिलनाडु में ही पड़ने वाला है, आप देख सकते हैं। मुडुमलाई इज ऑल्सो नोन फॉर योर शोलाज, मुकुर्ती ऑल्सो नोन फॉर योर शोला ग्रासलैंड। ये आपके मुडुमलाई और मुकुर्ती हैं जो कि तमिलनाडु एरिया में पड़ते हैं, तमिलनाडु एरिया में पड़ते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका केरला में पड़ेगा, ये आपका केरला में पड़ता है, एंड इट इज नोन फॉर टाइगर्स, लायन टेल में के एलिफेंट्स, यहां सब आपको ऐसे दिख जाते हैं। ये आपका केरला का है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और ये सब मिलके आपको बनाते हैं एंड मेक्स योर, दिस ऑल मेक्स अप योर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये प्रश्न आ चुका है, अच्छा पुरानी सीरीज एक बार निकाल के देख लीजिएगा। आई हैव टोल्ड यू दैट नागरहोल बंदीपुर में से कौन कौन सी नदी निकलेगी, हमने आपको बता रखा है, देख लीजिएगा। मुकुर्ती देख लीजिएगा, हमने आपको बता रखा है कि क्या क्या है यहां पे, पुराना एक बार सीरीज देख लीजिएगा, ऑल आई हैव टॉक्ड अबाउट। आइए आगे चलते हैं, मानस बायोस्फीयर रिजर्व में आपका स्वागत है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व में, मानस नाम से ही क्लियर है कि मानस नदी तो होगी ही होगी। अच्छा, मानस ट्रिब्यूटरी है हमारी ब्रह्मपुत्र की, कौन सी है, लेफ्ट बैंक है कि राइट बैंक है, जल्दी से बता दीजिए, लेफ्ट बैंक है कि राइट बैंक है, प्लीज टेल मी। मानस ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी तो है, लेफ्ट बैंक है कि राइट बैंक है, आप बताएंगे। बताइए मानस लेफ्ट बैंक है कि राइट बैंक है, बताइए। ब्रह्मपुत्रा नदी ऐसे चल रही है, हमने आपको बार बार बताया है, अगर हम ऐसे चलते हैं तो ऊपर ये हमारा फेस इस तरफ है, तो हमारा राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, क्लियर हो गया, हमारा राइट इधर है, लेफ्ट इधर है। आपको पहले यहां से आके जुड़ती है कौन सी, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, नीचे हमने आपको बताया था काधन, ऊपर हमने आपको क्या बताया था, का सुबन, यहां हमने आपको बताया था संकोच, फिर हमने आपको बताया था मानस, आ गई मानस, दैट इज द पार्ट ऑफ आवर और इज द पार्ट ऑफ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। आपको मानस और सारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज याद हो चुकी होनी चाहिए अब तक, क्योंकि हमने बार बार इसको कराया है और हर वो निमोनिक दिया है कि आप याद कर लें। मानस और बेकी रिवर है जो कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व से निकलती है। मानस बहुत तरीके का फॉरेस्ट आपको मिलेगा बायोस्फीयर रिजर्व में, आपको सेमी एवरग्रीन भी मिलेगा, मिक्स्ड मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस भी मिलेगा, आपको स्वाम्पी भी मिलेगा, और आपको मिलेगा कि बंबू भी है यहां पे, बहुत सारे मिलते हैं। कौन कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया इसके अंदर में आ सकता है आप देखेंगे तो मानस के ही नाम से सारे आते हैं, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि मानस का टाइगर रिजर्व भी है, मानस नेशनल पार्क भी है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, सब आपका मिला के बनता है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तो पढ़ने वाली जो चीज फिलहाल थी यहां पे वो थी मानस और बेकी रिवर जो कि यहां से बह रही है। अच्छा, दूसरी चीज हमें पढ़नी है यहां पे वो ये है कि इसके एंडेमिक फौना है, फॉर एग्जाम्पल पिग्मी हॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी का एंडेमिक है पिग्मी हॉक, और ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आइए, यहां पे आपको पिग्मी हॉक भी मिलेगा,
गोल्डन लंगूर भी मिलेगा, असम रूफ्ड टर्टल भी मिलेगा, गोल्डन लंगूर असम रूफ्ड टर्टल भी मिलेगा। तो जिन लोगों को लोकेशन नहीं पती है मानस की, देख ले असम में आपको, जब आप ब्रह्मपुत्रा से नीचे की तरफ बढ़ रहे होंगे तो यहां पे आपको भूटान से मानस नदी आके जोड़ेगी, बनाएगी आपका इस पूरी एरिया में मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तब मानस बायोस्फीयर रिजर्व, अगर हम आपको इसका इमेज दिखा सके, आइए ये देखिएगा, नदी आपकी ब्रह्मपुत्रा ऐसे निकल रही है और ऐसे चली जा रही। दिस इज योर मानस, दिस इज योर मानस हियर, ये आपका मानस है, याद रखिएगा ये आपका मानस है, नदी आपकी मानस आके यहां जुड़ती है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। पिग्मी हॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ इसके बाद में देख लेते हैं। देखिएगा आपका ये मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये लगभग आपके भूटान में भी कंटिन्यू रहता है एज रॉयल मानस नेशनल पार्क। ये जो आपका मानस नेशनल पार्क हमारे यहां है, ये भूटान वालों ने भी कंटिन्यू कर रखा है रॉयल मानस नेशनल पार्क के नाम से। यहां रेड पांडा भी आपको दिखता है और गोल्डन लंगूर भी दिखता है और आपको दिखता है पिग्मी हॉग। रेड पांडा, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, आप देख सकते हैं कि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। मानस आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, मानस रिवर बहती है और ये आपकी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, हमने पढ़ रखा है। पर देखिएगा पिग्मी हॉग के बारे में बात करें तो 2021 में एक न्यूज आई थी कि कुछ कैप्टिव ब्रेड ऑफ पिग्मी हॉक्स वर रिलीज्ड इन द मानस नेशनल पार्क। मानस में कुछ पिग्मी हॉक को रिलीज किया गया था, कुछ को रिलीज किया गया था मानस नेशनल पार्क में, रिलीज किया गया था पिग्मी हॉक को। पिग्मी हॉक के ऊपर एक कंजर्वेशन प्रोग्राम चलता है, आइए इसके ऊपर कुछ देख लें। पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्लान है जो कि कोलैबोरेशन है अमंग प्यूरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ऑफ यूके, प्यूरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ऑफ यूके, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब IUCN एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। मतलब पिग्मी हॉक को बचाने के लिए इतने लोग लगे हुए हैं, यूके से ड्यूरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट है, असम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, IUCN के वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप है। तो पिग्मी हॉक आपका एक तरह का स्मॉल वाइल्ड पिग होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इसमें पूरा लगा हुआ है, इंप्लीमेंटेड बाई NGOs अरण्यक एंड इकोसिस्टम इंडिया, इट इज इंप्लीमेंटेड बाई NGO अरण्यक एंड इकोसिस्टम इंडिया। कंजर्वेशन इसका बिगिन हो गया था 1971 में। और अगर आप देखेंगे प्रोटेक्शन स्टेटस इसका, तो पिग्मी हॉग आपका जो है, पिग्मी हॉग जो आपका है वो इंडेंजर्ड है, वो इंडेंजर्ड है IUCN में, आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है आप देख सकते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आपके इसमें है। चलिए प्रश्न आ रहा है गोल्डन लंगूर का क्या स्टेटस है, बताइए गोल्डन लंगूर का क्या स्टेटस है, कौन बताएगा? गोल्डन लंगूर भी आपका क्या है, IUCN स्टेटस बता दीजिए, इंडेंजर्ड ही है गोल्डन लंगूर भी आपका, इंडेंजर्ड ही है, कर सकते हैं। तो मानस में पिग्मी हॉक भी है, गोल्डन लंगूर भी है, पिग्मी हॉक पे न्यूज था इसीलिए हमने आपको बता दिया, गोल्डन लंगूर में आगे के सेशंस में जरूर आपको हम बता देंगे और इसके बारे में। ये इंडेंजर्ड है इसको याद रखिएगा, गोल्डन लंगूर भी इंडेंजर्ड है, पिग्मी हॉक भी इंडेंजर्ड है, पिग्मी हॉक भी इंडेंजर्ड है। चलिए अब हमारा प्रश्न आपसे है कि रेड पांडा किस स्टेटस में आता है और रेड पांडा की खासियत क्या है, ये कहां का एंडेमिक है, आप आराम से नीचे कमेंट करके बाद में बताइएगा। और साथ ही में जो नीचे का कमेंट है, ये नहीं, नीचे का जो कमेंट सेक्शन है वो प्रॉमिस वॉल है, उसमें आपको प्रॉमिस करना कि आप पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने लगभग सारे बायोस्फीयर रिजर्व देख लिए हैं, आई हैव गिवन यू लोकेशंस, आई हैव गिवन यू रिवर्स, प्लीज इसको इज्जत दीजिएगा, आराम से इसको लिखिएगा एंड यू विल बी रियली फीलिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग इसी समय। प्लस सब्सक्रिप्शन जिनको लेना है 433 पर मंथ है, आप जैसे ही CMC लगाएंगे आपका हो जाएगा 389 पर मंथ, आइकॉनिक 6208 पर मंथ, आप जैसे ही CMC लगाएंगे आपका हो जाएगा 5587 पर मंथ, एंड ऑप्शनल जिनका ज्योग्राफी हो संपर्क कर लें, इट्स 2292 पर मंथ, आप जैसे ही CMC लगाते हैं आपका हो जाएगा 2063 पर मंथ। नीचे बताइएगा, नीचे कमेंट में, एंड
ऑल द बेस्ट एजुकेटर्स दैट आर ऑलरेडी हियर, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट चल रहा है। एंड स्टोर हमारा न्यू दिल्ली में भी है, आप देख सकते हैं। एंड आई एम 9th of April, I am visiting there. तो जो भी दिल्ली में होंगे जरूर आइएगा, 2 बजे आई एम कमिंग देयर, 2 PM आइए, बहुत सारा स्ट्रेटेजी डिस्कशन किया जाएगा 9th of April, 2 PM एंड बैचेस 6th of April वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू बैचेस, आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। एंड स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज हमारी चलती रहती है, 15 क्वेश्चन 15 मिनट में करना है, 10 बजे होती है, प्लस फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है आपकी द हिंदू ऑन वेडनेसडे, सी सेट ऑन सैटरडे। क्विज करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। एंड निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, निरंतर रहिए, कॉन्स्टेंट रहिए, एंड यू शैल क्रैक दैट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।